पटना नगर के चिट्टा मंदिर घाट पर आज एक 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ये पहला हादसा नहीं कि यहाँ पर बच्चा डूबा है, इससे पहले भी यहाँ लोगों की खुद की लापरवाही के चलते डूबने से कई की मौतें हो चुकी हैं। जबकि जमुना में पानी का बचाव तेज होने के बाद भी लोग नहाने का मजा लेने में कई लोग अपनी जिंदगियां गवा बैठे हैं। आज फिर एक 12 साल का बच्चा जो सड़क की धूल से बचने के लिए जमुना के किनारे पर नहाने गया और नहाते नहाते पीछे से पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि जमुना की लहरें बच्चे को अपने साथ साथ पानी में बहाकर ले गई और वहीं मौका पर गोताखोरों की मदद से बच्चे को बचाने के पूरे प्रयास किए गए, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं लग पाया। तो वहीं बच्चे के परिवार वालों को बोलने की कोई जगह नहीं है, उनकी आंखें अपने बच्चे को नदी में ही ढूंढती रही हैं। तो जैसे पप्पी प्रधान जी का फोन आया तो हम तुरंत एक्शन में आए और यहाँ पर पहुँच गए और आकर के किश्ती लाई गई और मतलब पूछा हमारे नगर निगम के गोताखोर तीन हम और कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं जो तैरना जानते हैं, उनकी सहायता करके उस बच्चे के शव को खोजा जा रहा है। बॉडी मिल गई? नहीं, अभी बॉडी नहीं मिली है क्योंकि चलता पानी है, बीच में जो है जहाँ वो डूबा तेज धार है। कब से ढूंढी जा रही है, कितना टाइम हो गया? वो गए 1 घंटे के आसपास हो गया। कहीं पर पानी का बहाव तेज है, गहरा भी है, कम भी है। जहाँ पर बताने वाले बता रहे हैं बच्चा जहाँ डूबा वहाँ पानी का बहाव तेज है, क्योंकि सब जहाँ मिलना चाहिए वहाँ ना मिल करके ये नहीं पता वो सब किस जगह चला जाता है। चलते हुए पानी के अंदर सब खोजने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है।